ही खून में लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के दस दस को एक ने मारा और गिर गए होश गवा के। अब अंत समय आया तो कह गए कि हम मरते हैं, खुश रहना देश के प्यारो, अब हम तो सफर करते हैं। लता दीदी के गले से निकले हुए इस सुरीले गाने को सुनकर आज भी आंखें नम हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे ही हालात थे कारगिल युद्ध के, जब हमारे देश के एक एक जवान सौ सौ दुश्मनों को मारकर अंत में खुद ही शहीद हो गए और बदले में हमें दे गए कारगिल युद्ध की जीत। एक ऐसी जीत जिसके बाद पाकिस्तान ने दोबारा कभी भारत पर अटैक करने की जुर्रत नहीं की। लेकिन सोचने की बात यह है कि भारत पाक के बीच कारगिल वॉर हुआ ही क्यों? क्यों हमारे देश के जवानों को अपने ही देश के कारगिल पहाड़ियों को बचाने के लिए अपने प्राण की आहुति देनी पड़ी? आखिर में ये कारगिल का वॉर जीतना हमारे देश के सैनिकों के लिए इतना मुश्किल क्यों था और कैसे इस 3 महीने तक चले युद्ध में भारत ने विजय हासिल की? 16 अक्टूबर 1971 में आखिरकार पाकिस्तान भारत के आगे अपने 93,000 सैनिकों के साथ सरेंडर कर देता है और इसी वक्त पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बट जाता है। इंडियन आर्मी की मदद से बांग्लादेश अपना स्वतंत्र झंडा फहराता है। इस वॉर में पाकिस्तानी आर्मी की ऐसी बेइज्जती हुई जो कि इतिहास में अब तक कभी नहीं हुई थी। भारत से मिली इस करारी हार से एक पाकिस्तानी फौजी बड़ा दुखी हुआ, उसका नाम था परवेज मुशर्रफ। जैसे वर्ल्ड वॉर 1 में हिटलर ने घायल होकर जर्मनी को हारते देखा था और एलाइज कंट्रीज को हराने का सपना बुनकर दोबारा जर्मनी को वर्ल्ड वॉर 2 की आग में धकेल दिया था, ठीक वैसे ही मुशर्रफ भी 1971 की हार का बदला लेने के लिए भारत के खिलाफ पलटवार करने की साजिश रचने लगा। इसी बीच 1984 में भारत ने दोबारा से पाकिस्तान को सियाचिन में धूल चटा दी, जिससे कि मुशर्रफ और बौखला गया। इसी बीच चीन एटॉमिक पावर बन चुका था और पाकिस्तान भी चीन की मदद से एटम बम बनाने की कोशिश में लगा हुआ था। पड़ोस में बढ़ते खतरे को देख भारत 1998 में दूसरी बार 11th और 13th मई को एटॉमिक बॉम्ब की सक्सेसफुल टेस्टिंग करता है और इसके कुछ ही दिन बाद पाकिस्तान भी परमाणु परीक्षण कर लेता है। अब दोनों ही देश एटॉमिक पावर की लिस्ट में शामिल थे और अगर दो परमाणु संपन्न देश के बीच वॉर होता तो ये वॉर बहुत ही घातक हो सकता था। इसीलिए इस सिचुएशन को समझते हुए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 19th फरवरी 1999 को दिल्ली से लाहौर की बस यात्रा करते हैं और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के साथ 21st फरवरी 1999 को हिस्टोरिकल लाहौर डिक्लेरेशन को साइन करते हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी लाहौर में बस से उतरे तो उनका बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत किया गया और उनको 21 तोपों की सलामी दी गई। लेकिन कोई भी इंडियन ये नहीं जानता था कि यही तोपें ठीक 3 महीने के बाद भारतीय सैनिकों के सीने पर गिरेंगी। 1998 के दौरान जब मुशर्रफ पाकिस्तान आर्मी चीफ बना तो उसने भारत के खिलाफ ऑपरेशन बद्र को लॉन्च करने का प्लान बनाया। इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तानी आर्मी का मकसद नेशनल हाईवे 1A पर कब्जा करके सियाचिन ग्लेशियर में इंडियन मिलिट्री पोजीशंस को वीक करना था और साथ ही सियाचिन से इंडियन आर्मी की सप्लाई चेन को कट ऑफ करना था। पाकिस्तानी मिलिट्री चाहती थी कि जिस तरह पाकिस्तान ने बांग्लादेश को खोया था उसी तरह भारत भी लद्दाख से हाथ धो बैठे और कश्मीर विवाद में भारत का पलड़ा कमजोर पड़ जाए। ऐसे में नेगोशिएट करते हुए लद्दाख के बदले भारत पाकिस्तान को कश्मीर देने के लिए राजी हो जाए। अपने इन्हीं मंसूबों को हकीकत में बदलने के लिए परवेज मुशर्रफ पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बिना बताए कारगिल क्षेत्र में इन्फिल्ट्रेट करवा देता है। कारगिल के बटालिक टाउन के एक लोकल शेपर्ड ताशी नामग्याल अपनी खोई हुई याक खोजने के लिए निकले थे। दूरबीन से देखने पर उन्हें पठानी ड्रेस पहने कुछ लोग पहाड़ी रीजन में पत्थर तोड़कर बंकर बनाते हुए दिखे, जिनके पास हथियार भी थे। ताशी को डाउट हुआ कि ये लोग LOC के उस पार से आए हैं, इसीलिए ये खबर उन्होंने जल्द ही इंडियन आर्मी के नियरेस्ट पोस्ट को दी। इस इनफिल्ट्रेशन को चेक करने के लिए जब इंडियन आर्मी ने अपने जवानों को भेजा तो इंडियन ट्रूप्स को लगा कि ये इनफिल्ट्रेटर्स मुजाहिदीन है। लेकिन 5 मई को पाकिस्तानी आर्मी ने कारगिल में भारत के एम्यूनेशन डंप को निशाना बनाया और उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। 10 मई तक इंडियन आर्मी जान गई थी कि पाकिस्तान की तरफ से द्रास, ककसर और मुश्को सेक्टर्स में भारी इन्फिल्ट्रेशंस हुई है और हर इलाके में इनकी टैक्टिक्स में बदलाव से इंडियन आर्मी ये भी समझ गई थी कि ये काम मुजाहिदीन का नहीं बल्कि
पाकिस्तानी आर्मी का है। ये खबर साफ थी कि पाकिस्तानी सैनिक भारत के एलओसी वाले हिस्से में 150 किलोमीटर तक फैल चुके हैं। कारगिल का पूरा हिस्सा ऊंची पहाड़ियों और दर्रा और वैलीज में बटा हुआ है। ऐसे में पाकिस्तानियों ने भारत के कई पीक्स और वैलीज को ऑक्यूपाई कर लिया था। मशको वैली के कई निचले हिस्से 0.5353 माउंटेन पीक जो कि एलओसी पर बना हुआ है और इंडियन पाकिस्तान के बॉर्डर की तरह काम करता है, उसे पूरी तरह कैप्चर कर लिया था। काकसार गांव, बटालिक रेंज और चोरबत वैली के माउंटेन पीक्स और तुरतुक विलेज के सदर्न एरियाज में भी पाकिस्तानी सैनिकों ने घुसपैठ कर दी थी और ऑक्यूपाई कर लिया था। इस तरह से कई सारे स्ट्रेटेजिक माउंटेन पीक्स को पाकिस्तानियों ने कब्जा करके रखा था। ये पाकिस्तानी घुसपैठ 1971 में किए गए शिमला अग्रीमेंट का डायरेक्ट ब्रीच था, जिसे प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच साइन किया गया था। इस इन्फिल्ट्रेशन की खबर जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तक पहुंची, तो उन्होंने कैबिनेट मीटिंग को बुलाया और इस मैटर को डिस्कस किया। भारत सरकार पाकिस्तान सरकार से इस इंट्रूजन का जवाब मांग रही थी, लेकिन नवाज शरीफ और पाकिस्तानी आर्मी बार बार इस एलओसी क्रॉसिंग को डिनाय कर रहे थे और कह रहे थे कि पाकिस्तानी आर्मी ने एलओसी पार नहीं की है, बल्कि ये काम मुजाहिदीन का है। लेकिन पाकिस्तान का ये झूठ भी ज्यादा दिन तक पर्दे पर नहीं रह पाया और जल्द ही इंडियन आर्मी को पाकिस्तानी आर्मी के कई डॉक्यूमेंट्स मिले, जिससे ये साबित हो गया कि ये काम पाकिस्तानी आर्मी का है। ये कॉन्फ्लिक्ट अब कारगिल वॉर की शक्ल ले चुका था, जिसका असर इंटरनेशनल लेवल पर भी देखा जा सकता था। दुनिया में ये पहली बार था जब दो न्यूक्लियर पावर्ड देश जंग में एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे। इस कॉन्फ्लिक्ट में भारत की पहली कैजुअल्टी 15 मई को हुई, जब जाट रेजिमेंट के कैप्टन सौरभ कालिया और 5 जवानों को पाकिस्तानी सैनिकों ने बंदी बना लिया था। ये जवान काकसर एरिया में पेट्रोलिंग के लिए गए थे, तब पाकिस्तानी आर्मी द्वारा उन पर हमला किया गया था। 22 दिन तक इन सैनिकों को पाकिस्तानी आर्मी ने अपनी कैद में रखा और इन पर एक्सट्रीम टॉर्चर्स किए गए। उसके बाद जब इन जवानों के मृत शरीर को भारत को लौटाया गया, तब इंडियन सोल्जर्स के सब्र का बांध टूट गया। अब सामने एक ही रास्ता था और वो था भारत की जीत और पाकिस्तानियों को एक ऐसा सबक देना जो वो चाहकर भी कभी ना भूल पाए। 10 मई 1999 को इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ ऑपरेशन विजय को लॉन्च किया। इसका मकसद कारगिल के इलाके पर भारत के कंट्रोल को वापस एस्टैब्लिश करना और पाकिस्तानी आर्मी को वहां से भगाना था। इसलिए हजारों सैनिकों को कश्मीर से कारगिल की तरफ मोबिलाइज किया गया। उस वक्त भारत के आर्मी चीफ वेद प्रकाश मलिक थे, जिन्होंने ऑपरेशन विजय की कमान संभाली थी और 16,000 फीट पर दुश्मनों से लड़ने के लिए इंडियन मिलिट्री स्ट्रेटेजी को भी प्लान किया था। इस युद्ध में इंडियन आर्मी का फर्स्ट अप्रोच कारगिल की स्टीप पहाड़ियों को चढ़ना था, जिसे चढ़ने में 12 से 13 घंटे का वक्त लगता था। अब क्योंकि कारगिल की नंगी और खड़ी पहाड़ियों पर दुश्मन आसानी से इंडियन सोल्जर्स को देख सकते थे, इसीलिए चढ़ाई का वक्त रात को चुना गया। लेकिन मुश्किल ये थी कि कारगिल की पहाड़ियों पर एक तो हड्डी जमा देने वाली ठंड थी और ऊपर चढ़ने के साथ ही ऑक्सीजन की कमी भी होने वाली थी। ऐसे में ऊपर चढ़ते हुए या तो सैनिक अपने साथ पानी और खाना ले जा सकते थे, या तो वेपन्स लेकर दुश्मनों को खदेड़ सकते थे। इन सब के अलावा अगर थोड़ी भी लापरवाही होती तो ऊपर बैठे दुश्मन आसानी से इंडियन आर्मी पर धावा बोल सकते थे। लेकिन हमारे जाबाज ऑफिसर्स और सोल्जर्स हर सिचुएशन के लिए तैयार थे। इंडियन आर्मी के इस ऑपरेशन को सक्सेस करने में इंडियन एयर फोर्स और इंडियन नेवी ने भी एक बड़ा क्रूशियल रोल निभाया। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सफेद सागर एंड ऑपरेशन तलवार लॉन्च किया। 25 मई को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इंडियन एयरफोर्स को अटैक के लिए गो अहेड दिया और 26 मई को इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सफेद सागर को लॉन्च किया। एयरफोर्स को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की ओर से साफ इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि किसी भी हाल में वो एलओसी को पार ना करे। ऑपरेशन सफेद सागर कारगिल वॉर में इंडियन एयरफोर्स द्वारा लॉन्च किया गया एयर ऑपरेशन था, जिसे कारगिल की पोस्ट से पाकिस्तानी आर्मी को खदेड़ने के लिए चलाया गया था। जब कारगिल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगा और दुश्मन कारगिल की पीक्स पर बैठे हुए आर्मी को लगातार क्षति पहुंचा रहे थे, तब आर्मी को एयर फोर्स की मदद की जरूरत हुई। ऐसी भयावह स्थिति में
एयरफोर्स सामने आई, जिसने इंडियन आर्मी को कवर दिया और साथ ही साथ पाकिस्तानी आर्मी को एंगेज करके आर्मी को सपोर्ट किया, जिससे कि इंडियन आर्मी इन ऊंचे पीक्स पर पहुंचकर हैंड टू हैंड कॉम्बैट कर सके। साथ ही साथ पीक्स पर चढ़ते हुए सैनिक ज्यादा भार लेकर नहीं चढ़ सकते थे, ऐसे में एयरफोर्स उन्हें जरूरी सामान भी एयर ड्रॉप कर रही थी। 25 मई को एयरफोर्स द्वारा आर्मी को एयर कवरेज देने के लिए इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था। शुरुआत में आर्मी की जरूरत थी कि एयरफोर्स उन्हें MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद मुहैया कराए, और एयरफोर्स ने किया भी ऐसा ही, लेकिन कारगिल की पहाड़ियों में इस स्ट्रेटेजी से एयरफोर्स को भारी नुकसान झेलना पड़ा। इस दौरान 28 मई को MiG-27 फाइटर एयरक्राफ्ट चलाने वाले फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता, जो बतालिक सेक्टर में पाकिस्तानी ठिकानों पर हवाई हमला कर रहे थे, उसी समय उनके प्लेन को मार गिराया गया और उन्हें कैप्चर कर लिया गया। लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर के चलते 4 जून को पाकिस्तानी आर्मी द्वारा उन्हें वापस लौटा दिया गया। अपनी स्ट्रेटेजी को बदलते हुए इंडियन एयरफोर्स ने इंडियन आर्मी को बेटर एयर सपोर्ट देने के लिए MiG-21, MiG-23 एंड MiG-27 को यूज करना शुरू किया, और मिराज 2000 को लेजर गाइडेड बॉम्ब से प्रिसीजन अटैक्स में लाया गया। इनकी मदद से एयरफोर्स ने दुश्मनों की पोजीशंस की रेकी कर उन पर एयर स्ट्राइक की, और पाकिस्तानी आर्मी की पोजीशंस की जानकारी इंडियन आर्मी से शेयर की। इस जानकारी की मदद से ही आर्मी एक बेहतर प्लान के साथ दुश्मनों को टारगेट कर पाई। यह ऑपरेशन मौत को बुलावा देने जैसा था। इसमें एयरफोर्सेस के जाबाज सिपाही हथेली पर जान लेकर इस ऑपरेशन को कामयाब बनाने में लगे थे। कहानी में आगे बढ़ते हुए आपको ये भी बता दे कि कारगिल गर्ल कही जाने वाली जाबाज पायलट गुंजन सक्सेना ने पहली बार वॉर जोन में अपना चॉपर चलाया था, और भारत की पहली महिला पायलट बनी जिन्होंने वॉर जोन में फ्लाई किया। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन विजय में काफी अहम भूमिका निभाई। उन्होंने वॉर जोन के खतरे में भारतीय जवानों के लिए डेली एसेंशियल्स की चीजें ड्रॉप की, और कई भारतीय सोल्जर्स जो वॉर में शहीद हो गए थे उन्हें पहाड़ियों से वापस भी लाई। 3 महीने तक चले इस कॉन्फ्लिक्ट में इंडियन नेवी भी पाकिस्तान को घेरने में पीछे नहीं रही। इंडियन आर्मी को सपोर्ट करने और पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरने के लिए नेवी ने इसी दौरान ऑपरेशन तलवार को लॉन्च कर दिया, जिससे कि अगर किसी भी सूरत में पाकिस्तानी फौजी कारगिल को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करे तो इंडियन नेवी अपने मिसाइल्स के साथ पाकिस्तान को घुटने के बल झुकने पर मजबूर कर दे। नेवी इस वॉर में पाकिस्तान की पोजीशन को कमजोर करना चाहती थी। इस ऑपरेशन का मकसद पाकिस्तान पर प्रेशर बिल्डअप करके उसे युद्ध से पीछे हटाना था। इसीलिए मिड जून 1999 में इंडियन नेवी ने अपने ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्लीट्स को अरेबियन सी में शिफ्ट कर दिया। भारत की नेवल पावर पाकिस्तान की नेवल पावर से 7 गुना ज्यादा हुआ करती थी। इसीलिए जब भारतीय नौसेना ने खुलेआम अपनी बैटलशिप से कराची के आसपास नेवल ब्लॉकेड लगाई, तब पाकिस्तानी नेवी ने चुप्पी साधे रखी। इंडियन नेवी की स्ट्रेटेजी से पाकिस्तान इस कदर प्रेशर में आ गया था कि उन्होंने अपने ऑयल टैंकर्स और मेजर वॉरशिप्स को कराची बंदरगाह से हटाकर मकरन में शिफ्ट कर दिया था, ताकि भारतीय जहाजों के साथ सीधे टकराव से बचा जा सके। हालांकि ऑपरेशन तलवार के तहत इंडियन नेवी ने पाकिस्तान पर डायरेक्ट अटैक नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपनी इस रणनीति से पाकिस्तान का सी ट्रेड और ऑयल सप्लाई पूरी तरह कट ऑफ कर दिया था। 14 जुलाई को इंडियन नेवी का ऑपरेशन खत्म हो गया, और प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे एक मैसिव सक्सेस बताया। कारगिल पर वापस कंट्रोल जमाने के लिए भारत के जाबाज सैनिक जहां ब्रेवरी से लड़ रहे थे, वहीं कारगिल में उन्हें कई एक्सट्रीम कंडीशंस का सामना करना पड़ रहा था। ग्राउंड लेवल पर पाकिस्तानी आर्मी के पास हाइट का एडवांटेज था। वो पहाड़ी की चोटियों से लगातार फायर करके जवानों की मुश्किल बढ़ा रहे थे, साथ ही ज्योग्राफिकल कंडीशंस भी भारत के सैनिकों के विपरीत काम कर रही थी। कारगिल की ठंडी पहाड़ियां उन दिनों माइनस टेम्परेचर में थी। यहां न केवल ऑक्सीजन लेवल कम था, बल्कि एयर प्रेशर भी काफी कम था। इतनी लंबी चोटियों को पार करते हुए जो सैनिक आगे बढ़ रहे थे, उनमें से कई ऑल्टीट्यूड सिकनेस का शिकार भी हो रहे थे। इंडियन आर्मी इस फुल फ्लेज्ड वॉर के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थी, इसीलिए शुरुआती स्टेज में भारत को खास सफलता नहीं मिली। लेकिन जल्द ही भारतीय आर्मी ने अपनी स्ट्रेटेजी बदली। NH-1A पर पाकिस्तानी आर्मी की कांस्टेंट शेलिंग के बीच इंडियन आर्मी ने कारगिल के चैलेंजेस को ओवरकम किया, और दिन के समय होने वाले फ्रंटल अटैक्स के बजाय आर्मी ने अपने अटैक्स की टेक्निक्स को बदला और चढ़ाई का वक्त रात को चुना गया।
तोलोलिंग की लड़ाई ऊंची पहाड़ियों की पीक पर लड़ी गई, जो कि एक डिसाइसिव और ऐतिहासिक लड़ाई थी जिसने युद्ध में भारत की जीत को लगभग पक्का कर दिया था। इस पहाड़ी पर पाकिस्तानी आर्मी कब्जा करके बैठी हुई थी और यहाँ की पहाड़ियों को रिकैप्चर करना इंडियन फोर्सेस के लिए सबसे मुश्किल हो रहा था। 16,000 की हाइट पर यहाँ टेम्परेचर माइनस में था और पाकिस्तानी आर्मी कंटिन्यूस शेलिंग करके इंडियन आर्मी के लिए यहाँ पहुँचना और भी मुश्किल बना रही थी। खुफिया जानकारी के हिसाब से पाकिस्तानियों ने ये बात फैलाई कि केवल 4 से 5 घुसपैठियों ने ही तोलोलिंग पर कब्जा कर रखा है, लेकिन ये बात गलत साबित हुई। पाकिस्तानी आर्मी की एक पूरी की पूरी कंपनी तोलोलिंग की पहाड़ी पर तैनात थी। ऐसे में भारतीय सैनिक केवल अंधेरी रातों में अपने मिशन को अंजाम देते थे जब रोशनी कम होती थी, ताकि उनकी मूवमेंट की नजर पाकिस्तानी आर्मी पर ना पड़े। अक्सर उन्हें गोला बारूद और 2 किलो राशन में से किसी एक आइटम को चुनना होता था और हमारे सिपाही वॉर इक्विपमेंट का चुनाव करते थे। इस पहाड़ी पर चढ़ने वाली आर्मी यूनिट में 18 ग्रेनेडियर्स बटालियन और कई ऑफिसर्स शामिल थे, जिसमें से एक कैप्टन अजीत सिंह भी थे। आगे मेजर राजेश अधिकारी ने भी अपनी कंपनी लीड करते हुए पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश की। वह अपनी कोशिश में सफल हो ही जाते, लेकिन जब वो ऊंचाई से कुछ मीटर ही दूर थे तब घुसपैठियों ने इन्हें देख लिया और फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में मेजर राजेश अधिकारी शहीद हो गए और उनके 2 साथी भी हैंड टू हैंड कॉम्बैट में शहीद हो गए। आगे पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से भारी फायरिंग हुई, जिससे बचने के लिए सैनिकों को पत्थरों के पीछे पोजीशन लेनी पड़ी। अब जब सैनिक जरा भी मूवमेंट करते, वैसे ही पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती। इससे हुआ ये कि भारतीय सैनिकों की फौज बीच में ही फंस गई। इनके पास ग्रेनेड्स भी खत्म हो रहे थे। ऐसे में स्थिति को सुधारने के लिए कर्नल रविंद्रनाथ आगे आए, जिन्होंने 90 सोल्जर्स के साथ पहाड़ की चढ़ाई शुरू की। 12 जून को उन्हें अपने मिशन में तब सफलता मिली जब वह बीच में फंसे सैनिकों तक पहुंच गए। अब कर्नल रविंद्रनाथ भी दुश्मन से 1000 फीट की दूरी पर थे। यहां उन्होंने अपने सोल्जर्स को आखिरी बार जीत की कसम दिलाई और आगे बढ़ गए, जिसके बाद हमारी फौज उत्साहित होकर आगे बढ़ी। 4 घंटे तक लगातार फायरिंग जारी रही। 10,000 से ज्यादा शेल्स और 120 आर्टिलरी गन्स को फायर किया गया। प्लान के मुताबिक सैनिकों को 3 टीम्स में डिवाइड किया गया और उन्हें नाम दिया गया अर्जुन, भीम और अभिमन्यु। पहली टीम को टास्क दिया गया कि वह फ्रंटल अटैक्स को संभालेंगे, जबकि दूसरी टीम लोअर रिज से जाकर पीछे से अटैक करेगी और तीसरी टीम कवर फायर देगी। इस लड़ाई में पाकिस्तानी सैनिक को पीछे की तरफ से मेजर विवेक गुप्ता के प्लटून्स ने अटैक किया। यहाँ हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइटिंग हुई और इस लड़ाई में भारत ने मेजर विवेक गुप्ता और अपने 6 सोल्जर्स को खो दिया। लेकिन इन सभी सैनिकों की कुर्बानी जाया नहीं गई और भारत ने वापस तोलोलिंग पर अपना कंट्रोल जमा लिया। इस लड़ाई में हम जीत तो गए, लेकिन भारत माता ने अपने कई लाल इस युद्ध में खो दिए। इसके बाद इंडियन फोर्सेस ने कसम खाई कि अब चाहे कोई भी महीना क्यों ना चल रहा हो, इस युद्ध का अंत होकर ही रहेगा। टाइगर हिल और तोलोलिंग पर कब्जा जमा कर 2nd राजपुताना राइफल्स ने यह साबित कर दिया था कि युद्ध की परिस्थिति जैसी भी हो, भारतीय सिपाही अपने खून से अपनी जीत का इतिहास लिखेंगे। 13 जून को एक तरफ जहां भारत ने तोलोलिंग पर एक बड़ी विक्ट्री हासिल कर ली, वहीं 15 जून को अपनी डूबती हुई नाव को बचाने के लिए पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ युद्ध में सीज फायर के लिए अमेरिका का दरवाजा खटखटा रहे थे। एक तरफ वह मानने को तैयार नहीं थे कि ये काम पाकिस्तानी सेना का था, वहीं दूसरी तरफ उनकी मांग थी कि अमेरिका युद्ध में दखलअंदाजी करके पाकिस्तान का साथ दे। मगर इन हरकतों से पाकिस्तान की इंटरनेशनल इमेज अब बाकी देशों को भी साफ हो गई थी। इधर वाजपेयी जी ने अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को टेलीफोन पर हुई बातचीत में साफ कर दिया था कि पाकिस्तान या तो खुद इंडियन टेरिटरी को खाली कर दे, वरना भारत जिस तरह से बेहतर समझेगा उन्हें बाहर निकाल फेंकेगा। US प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने भी भारत की साइड लेते हुए युद्ध में इंटरवीन करने से मना कर दिया था, बल्कि अमेरिका ने पाकिस्तान को पब्लिकली फटकार लगाकर और उसे जल्द से जल्द अपने सैनिकों को LOC से बाहर बुलाने को कहा था। अमेरिका से ठुकराए जाने के साथ ही पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पर खुद को कॉर्नर्ड महसूस कर रहा था। जाहिर था एक ऐसे राष्ट्र के साथ कोई नहीं खड़ा होना चाहता था जिसने बेवजह एक बड़े युद्ध को जन्म दे दिया था, और अमेरिका भी एक गलत राष्ट्र की साइड लेकर वर्ल्ड पावर के तौर पर अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म नहीं करना चाहता था।
इधर जंग के मैदान में तोलोलिंग पर मिली सफलता के बाद भारतीय सैनिक अब रुकना नहीं चाहते थे। उन्हें अपने एक एक भाई के शरीर से गिरी हुई खून की हर बूंद का हिसाब लेना था। फिर क्या था, तोलोलिंग के नॉर्थ में एक और ऊंची पहाड़ी थी जिसे नाम 0.5140 दिया गया था। इसकी ऊंचाई 17,000 फीट थी। इसके अलावा तोलोलिंग और 0.5140 के बीच 10 हाई ग्राउंड थे जिन्हें हम्स कहा जाता था। इंडियन आर्मी द्वारा इन हम्स को तो कैप्चर कर लिया गया था, लेकिन 0.5140 को वापस पाना अभी बाकी था और इसे वापस रिकैप्चर करने का टास्क लेफ्टिनेंट कर्नल योगेश कुमार जोशी को सौंपा गया था। इसके बाद सोल्जर्स के दो ग्रुप्स को फॉर्म किया गया, जिसमें एक ग्रुप की कमान लेफ्टिनेंट संजीव सिंह जम्वाल को सौंपी गई, वहीं दूसरे ग्रुप को लीड कर रहे थे लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा, जिनका कोड नेम था शेरशाह। इनका प्लान था कि हिल्स को दो डिफरेंट डायरेक्शन से क्लाइम किया जाए। 20 जून को दोनों ग्रुप्स ने चढ़ाई शुरू की और दोनों ग्रुप्स अपने इस ऑपरेशन में सक्सेसफुल रहे। लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा की कमांड में उनके ग्रुप ने फ्रंटल अटैक संभाले और हैंड टू हैंड कॉम्बैट में उन्होंने 4 दुश्मनों को ढेर कर दिया। कई घंटों के हैवी कॉम्बैट के बाद 0.5140 को इंडियन सोल्जर्स ने कैप्चर कर लिया और अपने विक्ट्री सिग्नल के तौर पर विक्रम बत्रा ने ये दिल मांगे मोर सिग्नल भी दिया। 0.5140 पर विक्ट्री भारत के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत थी। इस पॉइंट से पाकिस्तान के कई डॉक्यूमेंट्स भी रिकवर किए गए थे, जिससे ये सच भी सामने आ गया था कि इस युद्ध में पाकिस्तान अपनी इज्जत बचाने के लिए अब तक केवल झूठ बोल रहा था। भारत की ऊंची पहाड़ियों पर जैसे जैसे इंडियन आर्मी का कब्जा हुआ, वैसे वैसे पाकिस्तान न केवल युद्ध के मैदान में कमजोर पड़ रहा था, बल्कि इंटरनेशनली भी उसकी स्थिति कमजोर पड़ती जा रही थी। 2 जुलाई को पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ ने अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन से कारगिल वॉर को रोकने के लिए मदद मांगी थी, जिस पर अमेरिका ने नवाज शरीफ को साफ कर दिया था कि इसके लिए पाकिस्तान को एलओसी से अपनी सेना को हटाना होगा और कश्मीर मामले में अमेरिका पाकिस्तान की कोई मदद नहीं करेगा। 3 जुलाई को नवाज शरीफ अमेरिका गए और 4 जुलाई को अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन के साथ मीटिंग करने के बाद वह एलओसी से अपनी सेना हटाने के लिए राजी हो गए। दूसरी तरफ इस युद्ध में अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट इसीलिए भी ज्यादा था क्योंकि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने अमेरिकी सरकार को जानकारी दी थी कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर हथियारों को मूव कर रहा है। ऐसे में अमेरिका को डर था कि अगर ये युद्ध लंबा चला तो पाकिस्तान कहीं इस जंग को न्यूक्लियर वॉर में ना बदल दे, इसीलिए अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान पर कारगिल से पीछे हटने का प्रेशर था। टेक्निकली ये युद्ध 4 जुलाई को खत्म हो चुका था जब पाकिस्तान कारगिल से अपनी सेना हटाने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी काफी अलग थी। पाकिस्तान के सैनिक अब भी भारत की चोटियों को छोड़कर नहीं गए थे और उनकी तरफ से अभी भी भयंकर जवाबी हमले हो रहे थे। कई जगह पर पाकिस्तानी सैनिक कुछ चौकियों से पीछे हट जाते थे, लेकिन वो दूसरी चौकियों पर कब्जा कर लेते थे। ऐसे में उन्हें भारतीय सरजमीन से बाहर फेंकना इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी पर निर्भर करता था। 4 जुलाई को जहां डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान इस युद्ध से पीछे हट गया था, वहीं जंग के मैदान में भारतीय जवानों की बहादुरी से भारत टाइगर हिल को भी कैप्चर करने में सफल हो गया था। टाइगर हिल 17,000 फीट की एक ऊंची चोटी थी जो कि द्रास रीजन को डोमिनेट करती थी। इस चोटी पर बैठे सैनिक द्रास की हर छोटी बड़ी एक्टिविटी पर नजर रख सकते थे। हालांकि मई के महीने में भी भारत ने इस पहाड़ी को कैप्चर करने की कोशिश की थी, लेकिन उस यूनिट को हैवी कैजुअलिटी झेलनी पड़ी थी, इसीलिए भारत ने कुछ हफ्तों तक टाइगर हिल को कैप्चर करने का कोई प्लान नहीं बनाया। लेकिन 3 जुलाई को भारतीय सैनिकों ने फिर टाइगर हिल को रिकैप्चर करने के लिए स्ट्रेटेजी बनाई। ये काम 18 ग्रेनेडियर्स और 8th बटालियन सिख रेजिमेंट को सौंपा गया। इससे पहले इंडियन एयरफोर्स 2 जुलाई को पहले ही दुश्मन के ठिकानों पर अपनी नजर गड़ा चुकी थी। फिर 3 जुलाई की रात को भारतीय सैनिकों ने टाइगर हिल की चढ़ाई शुरू की। अब क्योंकि टाइगर हिल की एक साइड पूरी तरह वर्टिकल थी, इसीलिए इंडियन आर्मी ने रणनीति बनाई कि वह मल्टी डायरेक्शनल असॉल्ट का सहारा लेगी, यानी ट्रूप्स का एक ग्रुप वर्टिकल साइड से पहाड़ी की चोटी पर चढ़कर घुसपैठियों को सरप्राइज करेगा।
वही 8 सिख सामने से अटैक कर अपने मिशन को अंजाम देंगे। आगे हुआ भी ऐसा ही। 18 ग्रेनेडियर्स की टीम ने रस्सी और माउंटेन इक्विपमेंट की मदद से इस मिशन को अंजाम दिया। इसमें 18 ग्रेनेडियर की घातक प्लेटून्स को लेफ्टिनेंट बलवंत सिंह लीड कर रहे थे। इन्होंने 4:30 बजे टाइगर हिल पर पहुंचकर दुश्मनों को सरप्राइज कर दिया था। दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स की हैवी आर्टिलरी शेलिंग और एयर अटैक्स ने दुश्मनों की हालत को पहले ही खस्ता कर दिया था। इसीलिए जब हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइटिंग हुई तो दुश्मनों ने अपने 12 साथियों को खो दिया था, जबकि भारत की तरफ से 6 कैजुअल्टीज हुई थी। घायल हुए सोल्जर्स में एक सैनिक 19 साल के योगेंद्र सिंह यादव भी थे, जिन्होंने खुद से इस मिशन पर जाने के लिए वॉलंटियर किया था। ये रोप को लीड करते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन दुश्मनों को इनके बारे में पता चला और उन्होंने मशीन गन एंड रॉकेट की फायरिंग से इन्हें घायल कर दिया। लेकिन जख्मी हालत में भी ये अपनी चढ़ाई कंटिन्यू करते रहे और दुश्मनों पर ग्रेनेड फेंका और 4 दुश्मनों को मार गिराया। इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर दूसरे बंकर को भी निशाना बनाया। इनकी बहादुरी से मोटिवेट होकर बाकी सोल्जर्स में भी जोश आया, जिसके बाद सबने बहादुरी दिखाकर टाइगर हिल पर भी जीत का झंडा लहराकर भारत का सर फक्र से ऊंचा कर दिया। बैटल ऑफ तोलोलिंग एंड टाइगर हिल की जीत से जहां जवानों का मनोबल बढ़ गया था, वहीं भारत की इस जीत की खुशी को हर भारतीय मना रहा था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस खुशी के साथ एक ट्रेजेडी भी देश का इंतजार कर रही है। इसकी शुरुआत 7 जुलाई 1999 को हुई, जब कैप्टन विक्रम बत्रा की लीड में जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स को पॉइंट 4875 को कैप्चर करने के लिए भेजा गया। इस मिशन पर उनके बैटल कंपेनियन थे कैप्टन अनुज नायर। कैप्टन बत्रा ने इस मिशन में अपनी वीरता दिखाते हुए दुश्मनों को धूल चटा दी। फिजिकल फाइट में उन्होंने अकेले ही पाकिस्तानी फाइटर्स को मार गिराया। उनके शरीर पर लगी चोटों के बावजूद वह अगले दुश्मन की ओर बढ़े और उन पर ग्रेनेड फेंक कर दुश्मनों को साफ कर दिया। 7 जुलाई को मिशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुका था और भारत पॉइंट 4875 पर जीत जाहिर करने के लिए तैयार था। लेकिन इसी बीच कैप्टन बत्रा एक दूसरे सोल्जर लेफ्टिनेंट नवीन अनाबेरू को रेस्क्यू करने के लिए बंकर से बाहर निकले, तभी दुश्मन की गोली सीधे कैप्टन बत्रा की चेस्ट पर आकर लगी और भारत ने अपने वीर शेर शाह को खो दिया। भारत को पॉइंट 4875 पर जीत तो हासिल हुई, लेकिन इस जीत की कीमत देश को बहुत महंगी पड़ी। जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के 13th बटालियन के 24 साल के कैप्टन विक्रम बत्रा इस युद्ध में जीत तो गए, लेकिन एक घायल साथी को बचाने के दौरान उन्होंने अपनी जान गंवा दी। देश को जीत की खुशी देकर खुद कैप्टन बत्रा इतनी छोटी उम्र में चल बसे। भारत ने अपने 2 हीरोज कैप्टन बत्रा और कैप्टन अनुज नायर को खो दिया था। आज के दिन पॉइंट 4875 को बत्रा टॉप के नाम से जाना जाता है। पॉइंट 4875 की बैटल के साथ ही कारगिल में भारत की जीत भी तय थी। एक तरफ जहां भारत ने द्रास का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था, वहीं 7 जुलाई को इंडियन आर्मी बटालिक सेक्टर में जुबर हाइट्स को भी कैप्चर करने में सफल हो चुकी थी। बटालिक तुर्तुक सब सेक्टर जो कि सियाचिन के करीब था, उसे भी इंडियन आर्मी ने अपने कंट्रोल में ले लिया था। भारत की युद्ध में ये डोमिनेशन पाकिस्तान को वॉर में पीछे खदेड़ रहा था और उसी का नतीजा था कि 11 जुलाई तक पाकिस्तानी ट्रूप्स बटालिक सेक्टर से पीछे हटने लगे थे। साथ ही 12 जुलाई को इंटरनेशनल प्रेशर में आकर पाकिस्तानी ट्रूप्स को पूरे कारगिल से पीछे हटना पड़ा था। 14 जुलाई को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ऑपरेशन विजय को एक बड़ी सक्सेस डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन ये युद्ध ऑफिशियली 26 जुलाई को खत्म हुआ, जब इंडियन एयर फोर्स और आर्मी ने कंफर्म किया कि कारगिल से घुसपैठिए पूरी तरह से एविक्ट हो चुके हैं। इसीलिए आज इस दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भारतीय सैनिकों की बहादुरी, सैक्रिफाइस और दृढ़ निश्चय की बदौलत भारत को न केवल उसकी सरजमीन वापस मिली, बल्कि दुनिया भर ने भारत की मिलिट्री पावर का लोहा माना। इस हार से बौखलाए परवेज मुशर्रफ अक्टूबर के महीने में अपने ही देश के कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर देते हैं। वह देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं और पीएम नवाज शरीफ का तख्ता पलटकर खुद पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। बाद में एक खुलासा भी होता है कि इस युद्ध के चीफ स्ट्रेटजिस्ट पाकिस्तानी जनरल परवेज मुशर्रफ थे। कारगिल में जीत के लिए भारत को कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, मेजर राजेश सिंह अधिकारी और मेजर विवेक गुप्ता के साथ साथ सैकड़ों बहादुर जवान को खोना पड़ा। युद्ध के बाद कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे,
मेजर राजेश सिंह अधिकारी, मेजर विवेक गुप्ता, राइफलमैन संजय कुमार और ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव को हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज भले ही ये जवान हमारे साथ नहीं है, लेकिन कारगिल की ऊंची चोटियां आज भी इनके बहादुरी के किस्से सुनाती शान से भारत के बॉर्डर की रखवाली करती है।